नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंड में आज डाले जाएंगे वोट। बिहार में अब तक इतने लाख किसानों ने दिया अनुदान के लिए आवेदन। बिहार का अनोखा हेल्पलाइन जिज्ञासा हुआ लॉन्च। बिहार के 500 थानों में महिलाओं के लिए तुरंत बनेगा हेल्प डेस्क। ईपीएफओ 30 नवंबर तक करवाए यूएएन को आधार से लिंक। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। मंगलवार की देर शाम नीतीश कैबिनेट की बैठक 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 85 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं इस बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट के आलोक में केंद्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 1898.86 लाख की राशि को स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही सहरसा के तत्कालीन मध्य निषेध अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। आज बिहारी मंथली स्पेशल में हम बात करेंगे चित्रा देव की। चित्रा देव एक बंगाली उपन्यासकार और संपादक थीं। देव का जन्म 1943 में पूर्णिया ब्रिटिश भारत में हुआ था। उसने अपना एमए और पीएचडी पूरा किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में श्रीमती देव ने अपने करियर की शुरुआत आनंद बाजार पत्रिका से की और 1980 से 2004 तक वहां काम किया। वो एबीपी के पुस्तकालय अनुभाग की प्रभारी थी। देव ने कई पुस्तकों का संपादन और अनुवाद किया है और बच्चों के लिए कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी उनके नाम है। उन्होंने बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में महिलाओं के योगदान पर बड़े पैमाने पर शोध और लेखन भी किया है। बिहार को जल्द ही मिलेगा चौथा एक्सप्रेसवे। बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। बता दें कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे निर्माण होगा। इस सड़क का अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। बताया जा रहा है कि यह सड़क उत्तरी बिहार के लिए लाइफलाइन साबित होगी। यह सड़क बिहार यूपी और बंगाल के बीच में केवल यातायात में सहायक होगी बल्कि यह व्यापार की दृष्टि से भी काफी लाभदायक होगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। इसके बाद से पथ निर्माण विभाग इसकी रूपरेखा बनाने में कार्रवाई शुरू कर चुका है। आपको यह भी बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से गोरखपुर और सिलीगुड़ी इन दोनों शहरों की दूरी घटकर 600 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। बिहार में अब तक इतने लाख किसानों ने दिया अनुदान के लिए आवेदन। बेमौसम बरसात और बाढ़ की मार बिहार के किसान हर साल झेलते हैं जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि मौसम के आगे तो हर कोई मजबूर है। मौसम की अटखेलियां पर तो किसी का जोर नहीं है लेकिन सरकार के हाथ में किसानों को हुई फसल क्षति का अनुदान देने का विकल्प जरूर है। यही कारण है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कृषि इनपुट अनुदान दे रही है। इसके लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री ने बताया है कि अभी तक 30 जिलों के 11,45,745 किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। बिहार का अनोखा हेल्पलाइन जिज्ञासा हुआ लॉन्च। बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी के किस्से आए दिन आप सुन ही लेते होंगे। साथ ही कई बार आप भी काम के चक्कर में सरकारी कार्यालय तो जरूर गए होंगे लेकिन एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमना पड़ता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि जल्द ही सरकारी कार्यालयों से जुड़े आपकी हर समस्या का समाधान एक हेल्पलाइन नंबर से करना संभव होगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राजधानी पटना में रहने वालों के लिए एक अनोखा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस हेल्पलाइन नंबर को जिज्ञासा हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है जिसके तहत ही अब आप 0612223333 पर फोन कर आप पटना के तमाम सरकारी विभागों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सीतामढ़ी को सीता के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोते तो उस समय धरती से सीता का जन्म हुआ था और सीता के जन्म के कारण ही इस शहर का नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीतामढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल जानकी स्थान मंदिर, हलेश्वर स्थान, उर्बीजा कुंड, बघी मठ, पंथपाकर इत्यादि हैं। अब बिहार में नहीं होगी एसटीएस की नियुक्ति। अब बिहार में एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति नहीं होगी। इस पर सुनवाई करते हुए हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस पीबी बजंत्री ने बीते दिन दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का आग्रह किया है। इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था।
चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंड में आज डाले जाएंगे वोट। बिहार में पंचायत चुनाव की लहर देखने को मिल रही है, जिसके तहत 7 चरणों के बाद अब 8वें चरण का मतदान आज होने वाला है। इसको लेकर कुल मिलाकर 36 जिलों के 55 प्रखंडों में आज वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में 40,000 पुलिस पदाधिकारी और जिला पुलिस गृह रक्षक बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और सैप के बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि आज होने वाली मतदान में माओवादियों द्वारा बुलाए गए बंद में चुनाव का आयोजन करवाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बिहार के सैकड़ों सरकारी स्कूल, बिहार के 100 से भी ज्यादा स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद इन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सामने बड़ी परेशानी आने की बात कही जा रही है। सरकारी अधिकारियों की माने तो उन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है जिनका खुद का कोई भवन नहीं है और किसी अन्य स्कूल के परिसर में ही उनका संचालन हो रहा है। इस बाबत सरकार ने सभी जिलों से ऐसे स्कूल की रिपोर्ट मंगाई है, जो करीब आधे जिलों से यह रिपोर्ट मिल गई है। लेकिन प्रदेश में एक ही भवन में चल रहे एक से अधिक विद्यालयों का विलय अब मूल विद्यालय में कर दिया जाएगा। इसके तहत जहां ज्यादा शिक्षक होंगे उन्हें जरूरत वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में पछुआ हवा और कोहरे से बदला मौसम। बिहार में पछुआ हवा में आंशिक वृद्धि होने के कारण अगले 48 घंटों के दौरान रात के पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही आकाश पूर्ण रूप से साफ रहने का अनुमान है। रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर सुबह हल्का कुहासा भी छाया रहेगा। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर में बने हवा के निम्न दबाव का विस्तार झारखंड मध्य प्रदेश की तरफ हो रहा है। इससे प्रदेश में पछुआ हवा की रफ्तार में थोड़ी वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ ठंड के साथ ही राज्य में प्रदूषण का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ईपीएफओ 30 नवंबर तक करवाए यूएएन को आधार से लिंक। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाना अभी के समय में बेहद ही जरूरी कर दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने यूएएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। अगर आप 30 नवंबर तक ऐसा नहीं कर पाते तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके तहत ही अगर आपने 30 नवंबर तक ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की तरफ से आने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इससे आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। बिहार के 500 थानों में महिलाओं के लिए तुरंत बनेगा हेल्प डेस्क। बिहार में अब महिलाओं को थाने में फरियाद लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी मदद के लिए महिला पुलिस अफसर या जवान मुस्तैद रहने वाले हैं, जिसके बाद अब थाने में महिला हेल्प डेस्क जल्द ही पूरी दमखम से काम करने लगेगा। बीते दिन आई जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क के लिए जरूरी सामान की खरीदारी को मंजूरी देने का काम किया गया है। इस पर 5 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इसके लिए गृह विभाग ने राशि को मंजूरी दे दी है। महिला हेल्प डेस्क बनाने का मकसद वहां आने वाली आधी आबादी की मदद करना है। हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला पुलिस अफसर या सिपाही उन्हें अपने पास बिठाएंगी और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनेंगी। बिहार से केंद्र ने बिजली कंपनी के जीर्णोद्धार का मांगा एक्शन प्लान। बिहार की बिजली कंपनियों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र की सरकार ने एक्शन प्लान की मांग की है। इसको लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने बिहार को 31 दिसंबर तक एक्शन प्लान की मांग की है और ऊर्जा सचिव संजीव हंस को केंद्र की तरफ से पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। इसके तहत कंपनियों के चतुर्दिक विकास की योजना है। इसके लिए ये जरूरी है कि कंपनियों की मौजूदा स्थिति से केंद्र अवगत हो। इसको देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकार से बिजली कंपनियों की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में राज्यों को लेखा जोखा, राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान आदि की भी जानकारी देनी है। बिहार में मठों और मंडियों की जमीन के मालिक होंगे ये। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के नियंत्रण वाले मठों मंदिरों की जमीन की नई जमाबंदी बिहार सरकार कायम करने जा रही है, जिसके तहत ही जमीन के खतियान में मालिक वाले कॉलम में भगवान का नाम दर्ज होगा। वहीं रिमार्क वाले कॉलम में उस मठ मंदिर के सेवादार, महंत या सचिव का नाम दर्ज होगा। बीते दिन उच्च स्तरीय बैठक में सिद्धांत रूप में इस बदलाव को स्वीकार किया गया है। इसे अमल में लाने के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। मामला राज्य कैबिनेट में जाएगा, जिसके साथ ही बैठक में यह भी तय हुआ है कि पहले से अगर किसी ने मठ मंदिर की जमीन खरीद की है तो उसका म्यूटेशन और उसी आधार पर जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी जाए और मठों मंदिरों की जमीन को भूमि घोषित करने पर सहमति बनी है। सुपौल में राघोपुर ललित ग्राम के बीच दौड़ेगी ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार के सुपौल में राघोपुर ललित ग्राम के बीच अब ट्रेन का परिचालन होने वाला है। इसको लेकर बीते दिन ही पहली बार स्पीड ट्रायल करवाया गया।
जिसको देखकर लोगों में भी काफी जोश था। यही कारण है कि स्पीड ट्रायल को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। वहीं स्पीड ट्रायल की बात करें तो पहली बार में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ललितग्राम तक ट्रेन चलाई गई। वहीं दोबारा ललितग्राम से राघोपुर जाने के दौरान ट्रेन की रफ्तार 122 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। ज्ञात हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीने पहले कोसी नदी पर बने रेल महासेतु पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद अब जल्द ही ट्रेन देखने को मिलेगी। अपर महाधिवक्ता के 10 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता के 10 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से राजकीय अधिवक्ता के 15, सरकारी वकील के 20 और स्थायी सलाहकार के 20 पदों के लिए आवेदन की मांग की गई है। इसको लेकर विधि विभाग की तरफ से इसका विज्ञापन जारी किया गया। ये सभी नियुक्तियां बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2021 के तहत ही की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर है। आवेदन प्रपत्र वर्णित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा और अबे करोविला पहुंचे बिहार। चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए बोर्ड ने खास कदम उठाया है। बता दें कि हाल ही में बिहार में क्रिकेटरों के चयन मामले में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी। इसको लेकर बीसीए के संयोजक ने बताया कि बीसीसीआई के सामने बीसीए की चयन प्रक्रिया को देखने के लिए पर्यवेक्षक भेजने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद ही दोनों को भेजा गया है। इस नीति के तहत तैयार होगी पाठ्य सामग्री। बिहार समेत देश भर में नई शिक्षा नीति को सिलसिलेवार ढंग से लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में भी इसी तरह से यह नीति लागू की जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार के प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को और रुचिकर बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए नई शिक्षा नीति का इस्तेमाल किया जाएगा और विशेष पाठ्य सामग्री तैयार की जाएगी, जिससे छात्रों का पढ़ना लिखना और अंक गणित को सिखाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ज्ञात हो सरकार के शिक्षा विभाग ने यह लक्ष्य तय किया है कि बिहार में कक्षा 3 तक के बच्चे पढ़ना लिखना और अंक गणित सीख जाएं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा विभाग का साथ लंबे समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संस्था केयर देगी। जलाएंगे 6 टन का लालटेन। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज राजद कार्यालय में बने 6 टन के लालटेन को जलाने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन ही लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा था कि जहां आज सीएम नीतीश एक तरफ अपने विकास की गाथा पूरे बिहार में गाएंगे, उसी समय लालटेन की रोशनी से नीतीश कुमार के विकास को ढूंढा जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या ये नीतीश कुमार को शोभा दे रहा है? इस स्पेशल लालटेन के उद्घाटन तैयारी पार्टी कार्यालय में काफी दिनों से हो रही है। इसकी कई खासियत है, पार्टी कार्यालय में ही इसे असेंबल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस लालटेन की हाइट 6 फीट ऊंची है और पार्टी कार्यालय में दिन रात। आज जदयू पूरे बिहार में करेगी भव्य कार्यक्रम। 16 साल बेमिसाल को लेकर जदयू आज बिहार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसके तहत आज जदयू की तरफ से पटना से लेकर पूरे बिहार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर लगातार तंज भी कसे जा रहे हैं, जिसके तहत ही विपक्ष सरकार पर सृजन घोटाला से लेकर मुजफ्फरपुर बालिका होम गृहकांड को लेकर निशाना साध रही है। इसको लेकर सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए बड़े फैसले को जनता को बताया जाएगा। जदयू के कद्दावर नेता टीएमसी में शामिल। बीते दिन जदयू को बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत जदयू के कद्दावर नेता पवन वर्मा को टीएमसी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। जिसके तहत बीते दिन दिल्ली में पवन वर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। वो पूर्व आईएफएस और जदयू के बड़े नेता रह चुके हैं। हालांकि सीएए कानून बनने के बाद ही उन्होंने अलग रुख अख्तियार कर लिया था। इसके बाद उन्हें जदयू से बाहर जाने का निर्णय लिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। वो सीएम नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते थे। उन्हें 2014 में राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था। तेजस्वी बताएंगे सीएम नीतीश को कैसे मिलेगा रोजगार। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों शराबबंदी का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अब बेरोजगारी का मुद्दा उठने लगा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश ने बेरोजगारी कैसे खत्म हो विपक्ष से ही पूछने की बात कही थी, जिसको लेकर बीते दिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार का घेराव किया है और ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा है नीतीश जी, एक कॉपी और कलम पास रख, मुझे बुलाइए, मैं बताऊंगा कि कब, कितना, कैसे, क्यों और कहां बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है, कैसे आईटी पार्क उद्योग धंधे लगाने हैं, कैसे क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। बिहार को अब आपकी संकीर्ण और कालग्रस्त सोच। भारत के
इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। तमिलनाडु विधानसभा में 1986 में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन में निष्कासित किया गया। एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजुर रानी देवी ने 1999 में रजत पदक जीता। दल बदल कानून के तहत 1988 में पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार किया गया था। भारत के प्रमुख मुस्लिम राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी का जन्म 1929 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म 1944 में आज ही के दिन हुआ था। सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर का निधन 1675 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की मशहूर कॉमेडियन उमा देवी खत्री का निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ था। पहले टेस्ट से हुए बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाना है, जो कि कानपुर में होगा। टीम इंडिया को पहले टेस्ट से ठीक पहले तगड़ा झटका लगा है। केएल राहुल इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह बहुत झटका है। हालांकि उन्हें किस तरह की चोट लगी है इस बारे में पता नहीं चला है। केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में नहीं खेले थे। उन्हें इस मैच में आराम दिया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो टी20 मैच में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत को ठोस शुरुआत दिलाई थी। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,320 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,590 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,000 रुपए था। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरविंद कुमार, मनीष मोहरा, जीके प्लस, रोहित ठाकुर, पंकज कुमार दास, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, नन्नू कुमार, चंदन कुमार, सत्यार्थ कुमार, चिंगारी गेमिंग, दीपू कुमार, शैलेश कुमार, दिव्यांशु कुमारी, पूजा कुमारी, धर्मवीर कुमार, कमलेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कौन सी समस्या सबसे बड़ी है जिसका सबसे पहले निवारण करने की जरूरत है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।